कंप्यूटर शिक्षा आपको फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूं कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठे तो इन बातों का ध्यान रखें। कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप ना करें। अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कहां कहां पर उपयोग होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। आइए अब आपको मैनुअल नहीं मिला ना कि नहीं, मैनुअल के थ्रू आपको इस वीडियो को चलाना है। उसमें टाइमिंग दिया गया है कि कहाँ पे कब वीडियो रुकना है और क्या क्वेश्चन पूछना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बता दिया कि आज की कक्षा में क्या क्या सीखेंगे, ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन था वीडियो में चला। ठीक है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन इसमें बताया गया कि हम आज की कक्षा में क्या सीखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के करते हैं होते हैं, कंप्यूटर को सडम कैसे करते हैं, ये सभी चीजें आपको उनसे पूछना है वीडियो रोक के स्टूडेंट से, और उसके बाद वीडियो को आगे प्ले करना है। उनके आंसर सुनने के बाद क्वेश्चन होगा आज की कक्षा में क्या सीखेंगे। यहाँ पे जो टाइमिंग था 1 मिनट 20 सेकेंड, वहां पे वीडियो रुकेगा और वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे आप कि आज की कक्षा में हम क्या सीखेंगे। जैसे ही आंसर आप सुनने के बाद आप वीडियो को प्ले कर देंगे, फिर आगे चलेगा जो भी क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी यहाँ पे है कंप्यूटर क्या होता है, वीडियो रोकेंगे, पहले उनका आंसर सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं, किसी को पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कंप्यूटर क्या होता है, आप सभी आंसर करोगे। ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेंगे। किसी को पता है कंप्यूटर क्या होता है, आप सभी में किसी को पता है कंप्यूटर क्या होता है, सबको पता है? ठीक है, आप बताइए कंप्यूटर क्या होता है, आंसर किसी, कंप्यूटर क्या होता है, आप क्लास में हो, मैं यहाँ पे ट्रेनर हूं, आपको आंसर करना पड़ेगा मुझे, आपको आता है, ये आपके नॉलेज के लिए है, मुझे बस इतना पता है कि आपको नहीं आता है, तभी मैं आपको ट्रेन कर पाऊंगा, नहीं अदरवाइज नहीं करूंगा। कंप्यूटर क्या होता है, आप आंसर कीजिए, आप बताइए, आपको पता है कंप्यूटर क्या होता है, आप बताइए। सर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम इनपुट के रूप में इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स देते हैं और ये प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। ठीक है, अब इनका डेफिनेशन है कुछ अलग है, आप लोगों के माइंड में कुछ अलग होगा। अब ये जो डेफिनेशन इन्होंने दिया है, अगर क्लास में छोटे बच्चे हों या 8 तक के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हों, गांव में क्या होता है उनको कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं सर, अंग्रेजी या इंग्लिश के, तो उनके लिए एजी में जो एजी वेस्ट हो कौन सा डेफिनेशन होगा। आइए वीडियो को सुनकर आंसर समझते हैं कि क्या है। कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है, इससे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। आज के टाइम में आप किसी से भी क्वेश्चन करेंगे ना कि कंप्यूटर क्या होता है, उनका फर्स्ट आंसर होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि हमें इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोवाइड करती है, हम अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं। सबसे पहला आंसर है
छोटे बच्चों के हिसाब से अगर हम बात करें तो कल को ये बच्चे हैं, क्या ये हमारा होमवर्क भी कर देंगे? मतलब अगर हम इस क्लास की बात कर रहे हैं, हम क्लास वन से बात कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें एक्सप्लेन करते समय ध्यान रखनी पड़ेगी कंप्यूटर क्या मशीन है, कि अगर बच्चा कहता है क्या ये हमारा होमवर्क भी कर देगी। हाँ सर, इसमें वीडियो में ना आगे दिया गया है सब कुछ, जो आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं ना आपको वीडियो में मिल जाएगा। हमने हर चीज को देखा है कि क्या बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या नहीं। जो लिख रहे हैं ना बहुत मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को अभी बोला गया है कि आगे जब वीडियो देखेंगे चित्र को देखेंगे आपको यही बताना पड़ेगा। हाँ बताना, उसमें मैनुअल में लिखा हुआ है। बहुत शिक्षा जिसमें आपने ऐसे लिए शुरू में जैसे शटडाउन कंप्यूटर को बंद करना कंप्यूटर को बंद करना ये सब शब्द दिया गया था दोबारा से आपको शुरू में प्रॉब्लम आती है शटडाउन ये चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप छोटे तो हम उनके लेवल को समझ के समझाते थे कि उनको क्या समझ में आएगा, इसीलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बुला के ट्रेन करते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वीडियो से और आपके मन का हम उसे दूर कर सके। आप ये मान के चलिए कि हम वही बच्चे हैं। तो अभी आपने स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन एक था कि जैसे YouTube पे वीडियो है हमारा, हम उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, सर ने बोला था, तो आपने क्वेश्चन मार्क किया था। मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन मार्क था क्या था, मैं उसका एक आंसर कर रहा हूँ। देखिए, जो भी बच्चे कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं ना, हम ट्रेन करके जिनको भेज रहे हैं, हम उनको ये सब कुछ बता देंगे। जैसे शटडाउन करना है तो हम उनको बता देंगे सर यहाँ पे है, पर आप उसे बंद करना बता सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा हमारा हेल्प करेंगे, हम आपका थोड़ा हेल्प करेंगे, जिससे कि जो बच्चे आएंगे उनको भी पता चलेगा कि क्या चीज़ नया है, टेक्निकल वर्ड है ना, हमें पता है आपको पता है लेकिन उनको नहीं पता है, तो हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा। हम आपको बता देंगे, आप उनको बता दोगे, तो नॉलेज क्या होगा, एक दूसरे में बटेगा, जिससे कि हमारा वीडियो भी चलेगा, उनको भी पता चलेगा, उनका भी इंक्रीज होगा। अब उनको नहीं आता है तभी तो हम सिखा रहे हैं ना, उनको शटडाउन नहीं पता है, हम उनको बताएंगे कि शटडाउन क्या होता है। अब उनको जो पता है हम उनको बताएंगे, फिर क्या सिखाने का मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। एग्री हो या नहीं आप लोग? वीडियो में दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे देख के आप बताएं कि क्या क्या कार्य कर रहे हैं ये लोग। वीडियो मैनुअल में आपको टाइम दिया गया होगा कि यहाँ पे वीडियो को रोकें और क्वेश्चन पूछें कि इन चित्रों में दिए गए लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। पहले सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितने लोग हैं इस चित्र के अंदर। देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ आपसे एज अ स्टूडेंट पूछ रहा हूँ आपको, क्लास के अंदर बच्चों को ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ताकि बच्चे एक्टिव रहें, क्योंकि उनको तो भाई ये पता ही नहीं है, उनको क्या मालूम है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम उन्हें कैसे समझाएंगे कैसे सिखाएंगे। तो उनकी लेवल को देख के हम इस चीज को चलाएंगे। इस चित्र को देखो और बताओ कि कितने लोग हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे। पहले वो बताएंगे इसमें 8 लोग हैं, क्या आप समझ पा रहे हो कि इसमें क्या क्या कार्य कर रहे हैं। फिर हम उनको एक एक चित्र को दिखाएंगे, जैसे ये फर्स्ट है, इस पे क्या कर रहे हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं, तो सोच के बताएगा क्या कर रहे हैं, उसके दिमाग में जो भी होगा वो बताएगा। अगर आंसर गलत भी होगा तो कोई नहीं, कम से कम बता तो रहा है ना। फिर नेक्स्ट ये दो लोग क्या कर रही हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछना है। इसीलिए हमने आपको बुलाया ट्रेन करने के लिए कि ये चीज करना है। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्लास शुरू करने से पहले आपसे पूछा था कि हम क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यों आए हैं, आप किसको ट्रेन करने जाओगे, किसको पढ़ाओगे, तभी मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको पता है या नहीं।
ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे आंसर किसी, ये क्या कर रहे हैं वहां पे रिटर्न तो कर रहे हैं ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये दोनों लोग सर्च कर रहे हैं, कोई चीज ढूंढ रही है, ढूंढ रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ये ड्रॉइंग का वो कार्य कर रही है, ये इनका कोई काम है जो बहुत मुश्किल है, सोच रही है, आइडिया नहीं है क्या करना है मेरे को, ये जो मैं कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये कार्य को कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसे उनको समझाना है और ऐसे हम आपको ट्रेन करेंगे, क्लियर है सभी को, प्ले करो। अगर आप सभी ध्यान से देखें इन चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, अब यहाँ पे एक यहाँ पे वर्ड आएगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, अब उनकी मर्जी है, पूछ रहे नहीं पूछ रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है पता नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको पता होगा, तो अगर आपको लगता है कि आपको एफर्ट देना है तो आप बता दो उनको प्रोजेक्ट क्या होता है, आप एक्सप्लेन कर दो, हाँ अगर हम इस चीज को देखेंगे आगे फ्यूचर में इसको ज्यादा से ज्यादा इजी बना दें, जैसे सर ने हर एक चीज के लिए बताया था कि क्या चीज होना चाहिए, जो हमारे माइंड में नहीं था उस समय, अगर होता तो हम जरूर एक्सप्लेन करते इसमें, बट आपके पास है तो आप प्रोजेक्ट का बता दो, प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, आप उनको समझा सकते हैं, प्ले करो वीडियो। लड़की ड्रॉइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में ड्रॉइंग का काम है।